इंडोनेशिया की सफल यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे। 9 और 10 सितंबर को G20 बैठक के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों के भारत पहुंचने का सिलसिला जारी। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में डुमरी उपचुनाव की मतगणना कल। 24 राउंड की मतगणना सवेरे 8 बजे से होगी शुरू। कुल 6 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य दांव पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देशभर में दिखी धर्म आध्यात्म की अलौकिक छटा। दही हांडी प्रतियोगिता समेत विविध कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, खास और आम सभी हुए शामिल। और ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने लौह नगरी में एशियाई जूनियर ओपन एंड गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। खेलों को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के प्रयासों को सराहा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोजू राव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की सफल यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जाकार्ता में भारत आसियान सहयोग को सशक्त करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया, भारत पश्चिम और एशिया यूरोप को जोड़ने वाले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी तथा आर्थिक गलियारे को प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने आसियान भागीदारों के साथ भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को साझा करने की पेशकश की। श्री मोदी ने आतंकवाद के वित्त पोषण और साइबर दुष्प्रचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया। इस दौरान समुद्री सहयोग और खाद्य सुरक्षा पर 2 संयुक्त प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। इधर विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया कि शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी से भारत आसियान संबंधों को रणनीतिक दिशा मिलेगी। नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को G20 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें शामिल होने के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी मेहमानों के भारत पहुंचने का सिलसिला जारी है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इस बीच वैश्विक नेताओं का स्वागत करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को सफल और ऐतिहासिक बनाने के आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। इस सम्मेलन में दुनिया भर के कई राजनेता शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का मुख्य आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा, जिसे बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। इस सम्मेलन में दुनिया भर के कई राजनेता शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में किया जाएगा। इस भारत मंडपम का निर्माण हाल ही में किया गया, जो विश्व स्तरीय है। भारत मंडपम 3 फ्लोर में बना हुआ है। इसके हर फ्लोर पर भारतीय संस्कृति की छाप देखी जा सकती है। इसे बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। इसके हर कमरे और हर जगह पर भारतीय पारंपरिक विविधता, कला और बहुत संस्कृति की विरासत देखी जा सकती है। इसके तीनों फ्लोर की अलग अलग खूबियां हैं। दरअसल इसमें मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के लिए तैयारी की गई है। भारत मंडपम में एक हॉल ऐसा भी बनाया गया है जिसमें एक साथ 7,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े हॉल्स में से एक है और सिडनी के ओपेरा हाउस से कहीं अधिक बड़ा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि G20 के दौरान आयोजित बैठकों में भारत द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की महत्वपूर्ण पहल से अन्य सदस्य देशों को प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि इन परिचर्चाओं में इस बात पर बल दिया गया कि यह सीखने और विकास से भरे जीवन को प्राप्त करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान और इसके समय रहते उपलब्धियों के प्रति प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में भारत जब शिक्षा की विकास यात्रा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तब मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है
कि सभी G20 देशों ने FLN को प्राथमिकता देने और शिक्षा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होने के हमारे दृष्टिकोण को बल दिया। हमें पूरा यकीन है कि सभी साझेदारों के ठोस प्रयासों से हम बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हम सब जरूर सफल होंगे, यह मेरा विश्वास है। धन्यवाद। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच कल सुबह 8 बजे से डुमरी उपचुनाव की मतगणना होगी, जिसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतों की गिनती 24 राउंड में पूरी होगी। गिरिडीह के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि डुमरी उपचुनाव के लिए कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना कुल 24 राउंड में होगी, जिसके लिए 16 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना की प्रक्रिया की जाएगी जो कि सुबह 8 बजे से होगा। इसके लिए हमारे सभी काउंटिंग पर्सनल्स और काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैयार हैं और 16 टेबल्स में लगभग 24 चरणों में ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी मतगणना की, और फिर उसके बाद मतदान की जो परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वज्रगृह की सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। मतगणना स्थल पर मोबाइल समेत कई चीजें प्रतिबंधित होंगी। श्री लकड़ा ने कहा कि त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में वोटों की गिनती होगी। उपचुनाव की मतगणना के साथ ही कल डुमरी के मतदाताओं की पसंद का पता चल जाएगा। इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार यशोदा देवी और इंडिया गठबंधन की बेबी देवी समेत कुल 6 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है, जिसका कल खुलासा हो जाएगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज रांची में लांस नायक परमवीर अलवटिक्का के गांव की पवित्र मिट्टी समेत अन्य शहीदों के गांव से मिट्टी को एकत्रित किया गया और इस मिट्टी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के समीप प्रस्तावित अमृत वाटिका में विलय के लिए भेजा गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज रांची में राज्य के 28 शहीदों के गांव और घर से पवित्र मिट्टी इकट्ठा करके सैनिक बाजार स्थित सैनिक कल्याण निदेशालय में लाया गया। साथ ही उड़ीसा के 4 शहीदों के घर से भी पवित्र मिट्टी कलश में एकत्रित करके यहां लाया गया। मौके पर पूर्व सार्जेंट और भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के महासचिव अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि कुल 32 शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को आज अमृत वाटिका के लिए रांची से हस्तांतरित किया जा रहा है। कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश ये अभियान चलाया देश में, तो इसके साथ ये कार्यक्रम जुड़ गया है और संबंधित विभाग से उनको अनुमति मिल गई कि आप सारे क्षेत्र से शहीदों की मिट्टी उठा कर लाएं और उसे जो दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के समीप बन रहे अमृत वाटिका में रखा जाएगा, उसके साथ विलय करके वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर महाराष्ट्र के उमेश गोपीनाथ जाधव ने बताया कि उन्होंने अब तक 150 से अधिक शहीद जवानों के आंगन से पवित्र मिट्टी को एकत्रित किया है। इस पवित्र काम के लिए उन्होंने अब तक 1,00,000 से अधिक किलोमीटर तक की यात्रा तय की है। खास बात यह है कि उमेश कुमार जाधव सेना से रिटायर व्यक्ति नहीं बल्कि यह आम सिविलियन है। तक मैंने 1,40,000 किलोमीटर 150 से अधिक वीर शहीदों की मिट्टी वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर जनरल बिपिन रावत तक उनकी मिट्टी मैंने एकत्रित की है। मेरा माटी मेरा देश इस संकल्पना में आपने अगर देखा है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अमर वीरों और बलिदानों की यादों में ये एक कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि हम इन वीरों को इन वीर परिवारों को श्रद्धांजलि दे सके। गौरतलब है कि देश के शहीदों के सम्मान में केंद्र सरकार की ओर से मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत देश भर के शहीदों के आंगन से पवित्र मिट्टी को एकत्रित करके दिल्ली में बनने वाले अमृत पार्क में समाहित किया जाएगा। इस कड़ी में झारखंड के शहीदों के आंगन की मिट्टी को भी दिल्ली भेजा जा रहा है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट।
इससे पहले कल गुमला में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहीदों की पवित्र मिट्टी का कलश संग्रहण एवं समर्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में गुमला जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में शहीदों की पवित्र मिट्टी का कलश संग्रहण एवं समर्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में पवित्र मिट्टी का संग्रहण करने वाले बेंगलुरु के उमेश गोपीनाथ जाधव को 1971 के युद्ध में परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की पवित्र मिट्टी कलश सहित जिले के एक दर्जन वीर शहीदों की मिट्टी कलश उन्हें सौंपी गई। ओडिशा के रहने वाले परमवीर अल्बर्ट एक्का के युद्ध में साथी रहे मेजर देवेंद्र नाथ दास ने भी अपने साथ ओडिशा के तीन वीर शहीदों की मिट्टी कलश उन्हें सौंपी। कार्यक्रम में उपस्थित जिले के वीर नारियों ने अतिथियों के स्वागत में सुंदर गीत प्रस्तुत कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बेंगलुरु से आए मेजर संजय मल्होत्रा ने कहा कि हमारे शहीदों की मिट्टी हमें प्रेरणा देती रहेगी। मैं झारखंड के जो वीर नारियां हैं उनसे मिल सकूं और यहां से शहीदों की मिट्टी को ले जा सकूं, जो मैंने वहां कैंप बनाया है, जो हमारी सोच है कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको देखे और जाने कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया। इस मौके पर मेजर डी के दास ने 1971 युद्ध के हीरो परमवीर अल्बर्ट एक्का के साथ युद्ध की जीवंत घटनाओं का उल्लेख किया। सैनिक कल्याण समिति के क्षेत्र पदाधिकारी कमांडर पी रामाराव और पूर्व सैनिक अनिरुद्ध सिंह ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन कलश संग्रहण एवं समर्पण कार्यक्रम को राज्यवासियों के लिए यादगार पल बताया। बहुत मैं आभार हूं भारत सरकार की, ये सब जो ना लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में इसका कार्यक्रम करेंगे, अमृत वाटिका का जो ना उद्घाटन करेंगे, ये सभी मिट्टी वहां पे जमा किया जाएगा स्मारक की तरफ से जो ना बड़े बड़े वृक्ष। मतलब भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम वर्षगांठ पर आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा राज्य के सभी जिलों में यात्रा एवं सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस भवन में भारतीय युवा कांग्रेस ने युवा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए भारत जोड़ो लीडरशिप प्रोग्राम का भी आगाज किया। इधर रांची पहुंचे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आपसी भाईचारे और प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। वहीं लोगों के बीच में सद्भावना, प्रेम और भाईचारे को मजबूत करने के लिए जो संदेश मिल रहा है, उसी संदेश को लेकर आज पूरे देश में हर राजधानी में, हर जिलों के अंदर में कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जन के बीच में उनका संदेश पहुंचाने का। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण का कार्य अमृत भारत योजना के तहत चल रहा है। इसी सिलसिले में सांसद विद्युत वरण महतो और खड़गपुर रेल डिवीजन के डीआरएम आर के चौधरी ने स्टेशन का निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान सांसद विद्युत वरुण महतो ने बताया कि रेल मंत्रालय ने घाटशिला स्टेशन के सौंदर्यकरण को लेकर पहले किस्त के रूप में 33 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। स्टेशन में सबसे पहले 40 फीट चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनेगा और उसके बाद अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रतीक्षालय तथा शौचालय एवं अन्य कार्य भी किए जाएंगे। बोकारो जिले के पेटरवार के रहने वाले तथा तमिलनाडु के एक इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत समीर कुमार की संदेहास्पद मौत पर परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। दिवंगत समीर कुमार के परिजनों और उनके द्वारा पढ़ाए छात्र छात्राओं ने आज रांची में राजभवन के पास उनके पार्थिव शरीर के साथ न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना था कि इंस्टीट्यूट में समीर कुमार गलत कार्यों का खुलकर विरोध करते थे। परिजनों का आरोप है कि जिस रहस्यमय हालात में समीर कुमार की मौत हुई है उससे लगता है कि उनकी हत्या की गई है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इसके जो फुटेज मेरे पास आया है, ये घुटने के बल पर बैठा कर उसको सिर्फ टांग दिया गया। ये हम देख सकते हैं, दूसरा फुटेज हम देख सकते हैं। साइकोलॉजी टीचर थे तो वो क्या इंसान को बोले, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट थे तो वो क्या ही बोलेंगे कि मतलब सुसाइड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका वो पर्सनालिटी ही नहीं है। तो वहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है, इसीलिए हम लोग बोले ना कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए। मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ भी पहुंचे और परिवार के सदस्यों के साथ खड़े दिखे। सांसद ने इस पूरे मामले पर गहरा दुख व्यक्त किया। माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी इसकी गंभीरता को देखते हुए
जांच का आदेश दें, आप वहां की सरकार से बात करें, वहां के मुख्यमंत्री से बात करें। तमिलनाडु के एक इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत समीर कुमार की संदेहास्पद मौत की जांच से ही यह खुलासा हो पाएगा कि किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। रांची से करमवीर सिंह की रिपोर्ट। जमशेदपुर स्थित टाटानगर स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने छापेमारी कर 20 किलो गांजा के साथ एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों भुवनेश्वर से गांजा लेकर राउरकेला पहुंचे थे और वहां से इस्पात एक्सप्रेस में बैठकर टाटानगर आए थे। टाटानगर से उन्हें टाटा छपरा ट्रेन से बेगूसराय जाना था, इसी दौरान इनकी गिरफ्तारी की गई। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर मनाया जाने वाला त्यौहार जन्माष्टमी झारखंड समेत देशभर में भक्ति श्रद्धा और उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों को फूलों और रोशनी से सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल है। मनाया गया। आज भी मंदिरों में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज समूचा राज्य कृष्ण भक्तिरस में डूबा नजर आ रहा है। जामताड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरी श्रद्धा भक्ति एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। जामताड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। जगह जगह आकर्षक पूजा पंडालों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रतिमाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। जामताड़ा के कायस्थपाड़ा पूजा समिति के पंडाल परिसर में चंद्रयान के मॉडल को प्रदर्शित किया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूजा पंडालों में प्रवचन और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुगण पूजा आराधना में लीन दिख रहे हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। व्रत रखते हैं और संध्या के समय भगवान को पंचामृत से स्नान करा के नए कपड़े परिधान करवा के पूजा सेवा आरती करते हैं और धूमधाम से भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव आनंद के साथ मनाते हैं। पूरा वातावरण गांव वाले भक्तिमय रहता है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और हम लोग बहुत ही महोत्सव हम लोग बहुत ही धूमधाम से करते हैं और हम लोग इसमें और चीज़ एक न्यू चीज़ दिखाते हैं। हम लोग यहाँ इस बार किए हैं चंद्रयान 4 का, जो हम लोग कुछ एक ढांचा हम लोग खुद की मेहनत से बनाए हुए हैं। जामताड़ा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खास बात यह है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से प्रेरित होकर पूजा पंडालों में इस वर्ष स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लट्टू गोपाल का जन्मदिन है, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और यह मान्यता है कि यह पूजा जो मन से करता है उनकी सारी इच्छा पूरी होती है और पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया है। इस बार प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है, प्रधानमंत्री के बातों का ध्यान रखते हुए। संथाल परगना के अन्य जिलों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धर्म अध्यात्म की अलौकिक छटा देखने को मिल रही है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों से लोहा ले रहे सीआरपीएफ के जवानों ने सहायक कमांडेंट सुवीर कुमार मंडल के नेतृत्व में जुम्बईबुरू कैंप परिसर में हर्षोल्लास के साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया। इस पर्व में जुम्बईबुरू धरनादिरी एवं आसपास के काफी संख्या में ग्रामीण और बच्चे शामिल हुए। जवानों ने इसके साथ न सिर्फ खुशियां बांटी बल्कि उन्हें पूरे सम्मान के साथ कैंप परिसर में बैठाकर प्रसाद और भोजन कराया। ग्रामीण भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व में जवानों के साथ शरीक होकर काफी खुश दिखे।
टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाले एशियाई जूनियर ओपन एंड गर्ल्स चेस चैंपियनशिप 2023 का आज औपचारिक उद्घाटन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद और टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विश्वनाथन आनंद ने कहा कि भारत सरकार खेल को बढ़ावा दे रही है और हमें बेहद खुशी है कि चेस के क्षेत्र में भी भारत का नाम रोशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि 19वीं एशियाई चेस चैंपियनशिप में भारत के खिताब जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस चैंपियनशिप में भारत के अलावा एशिया के 7 देशों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। They are currently supporting a chess tournament, the Tata Steel Chess India in Kolkata, the Asian Junior here, and then later on one of the top tournaments in the world in the Netherlands, also Tata Steel by the way now. और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गढ़वा टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने ठहराव हेतु आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और इस ट्रेन को रात्रि 1:44 पर ही हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना काल में बंद हुए स्वर्णरेखा एक्सप्रेस, नंदन कानन एक्सप्रेस, रांची इंटरसिटी और शालीमार एक्सप्रेस का ठहराव भोजूडी चंदन कियारी स्टेशन पर पुनः बहाल कर दिया गया है। धनबाद सांसद पीएन सिंह और विधायक अमर कुमार बावरी ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान वे जन समस्याओं से अवगत हुए तथा सामूहिक प्रयास से रांची संसदीय क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। धनबाद में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में म्यूटेशन के लंबित मामलों, सरकारी योजनाओं में भूमि स्थानांतरण और भूमि अधिग्रहण से लंबित मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही सरकारी योजनाओं के लिए जल्द भूमि हस्तांतरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। जामताड़ा के उपायुक्त ने समाहरणालय सभाकक्ष में मिशन इंद्रधनुष द्वितीय चरण के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को 100% टीकाकरण के लिए आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने की हिदायत दी। पाकुड़ डीआरडीए सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मनरेगा योजनाओं की समीक्षा हुई। इस दौरान सभी अपूर्ण आवासों एवं मनरेगा से संचालित योजनाओं को पूरा कराने के लिए सभी बीडीओ एवं बीपीओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। लातेहार में राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी की अध्यक्षता में पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलांतर्गत शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुख्य रूप से मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और समग्र शिक्षा को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। परियोजना निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सरायकेला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने अनुमंडल पदाधिकारी समेत अन्य स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर डेंगू की रोकथाम को लेकर विचार विमर्श किया तथा जरूरी हिदायत दी। और अब मौसम संबंधी जानकारी। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून सामान्य रहा। अधिकांश इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं भारी बारिश भी हुई। साहिबगंज में सर्वाधिक 79.5 मिलीमीटर वर्षापात रिकॉर्ड किया गया। आज और कल भी कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज जहां राज्य के दक्षिण और उससे सटे मध्य भागों में भारी वर्षा की संभावना है, वहीं कल उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27.4 और न्यूनतम 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 25.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.9 और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बेखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News Jharkhand और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंडोनेशिया की सफल यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे। 9 और 10 सितंबर को G20 बैठक के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों के भारत पहुंचने का सिलसिला जारी। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में डुमरी उपचुनाव की मतगणना कल। 24 राउंड की मतगणना सवेरे 8 बजे से होगी शुरू। कुल 6 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य दांव पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देशभर में दिखी धर्म आध्यात्म की अलौकिक छटा। दही हांडी प्रतियोगिता समेत विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, खास और आम सभी हुए शामिल। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने लौह नगरी में एशियाई जूनियर ओपन एंड गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। खेलों को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के प्रयासों को सराहा।